हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है कल का जो आप लोगों ने देखा। मैं दोपहर को जब काम वीम करके सोने गई हूँ, उसके बाद से मैंने व्लॉगिंग, मतलब जब सो के उठी हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हैं, उसके बाद से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैंने सोचा है कि फेस्टिवल तक मैं ना कंटिन्यू व्लॉग करती रहूँगी, जो भी जैसे जहाँ से मैंने व्लॉग बंद किया है, कहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, जब तक सोऊंगी तभी तक व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सोने का क्या व्लॉग करना। और फिर जैसे सो के उठूंगी, जो काम करूंगी, आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर का ऐसा मैसेज आया था, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा उसका मैसेज, और मैंने सोचा कि मैं उस पर फॉलो करती हूँ। तो देखती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है कि नहीं, रीच देखूँगी उसमें आप लोगों का, मतलब कि कैसा रहेगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे पता ही चल जाएगा। तो ये शाम का टाइम है, मैंने बर्तन बहुत सारे थे, मैंने आज दोपहर को कुछ भी धुले नहीं थे, जो भी खाना वीना खाया था वो सारे बर्तन थे, तो मैंने यहाँ पे बर्तन सारे धुल दिए। और गैस पे मैंने चढ़ा दिया है दाल चावल रात का डिनर, और यहाँ पर मटका ना धुल के मैं मटका रात को ही भर के रख देती हूँ, जिससे कि दूसरे दिन पूरा ठंडा रहे, और रात भर भर के रखा हुआ मटका ठंडा पानी रहता है, तो दूसरे दिन हम उसे यूज़ करते हैं। तो मैंने, मतलब मुझे बाल धुलना था आजकल, ना क्या हो रहा था कि काम इतने हो रहे थे कि तेल लगा के मुझे बैठने का मतलब टाइम नहीं मिलता था, मैं तुरंत ही बाल ऐसे ही धुल लेती थी। और बाल का केयर ना करो ना तो फिर बाल पता है कैसे हो रहे थे आजकल मेरे, मतलब मेरे बाल जैसे ऐसे उड़े उड़े लग रहे थे, जैसे लग रहा है मैं अभी बाइक पे से उतर के आई हूँ, ऐसे मेरे पंछी जैसे बाल हो गए थे। तो इसलिए मैंने अपना जो होममेड मैंने ऑयल बनाया है ना, मैंने वो वाला ऑयल लगाया है, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है बालों को। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी चैन नहीं है। मैंने किचन का काम सारा निपटा के आई हूँ, डिनर बना के आई हूँ, और पानी वानी सब भर दिया है, और अब मैं कपड़े को आयरन कर रही हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े हैं, अब मैं फेस्टिवल भर ना कपड़े धुलूँगी और प्रेस करूँगी, सबसे ज़्यादा काम तो मेरा यही रहेगा। और मैं आने वाले, अभी देखिए मैं कैसे कैसे दिवाली की तैयारियाँ करती हूँ, क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, और क्या क्या सफाई करती हूँ, आप लोगों के साथ में वीडियो में सारा शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, रीच कम मिलता है, तो फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, फिर मेरा करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ अपना साथ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे कपड़े आयरन कर दिए हैं ना, तो ये सारे कपड़े ना, अगर मैं धुले हुए कपड़े मुझे टाइम मिलता है, जैसे कि अभी हस्बैंड को आने को आज बहुत टाइम था, उन्होंने बोला था आज बहुत लेट होगा, और बच्चों का भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने आयरन कर दिए हैं, ये देखिए, और प्रेस अभी गर्म यहाँ पर रख दिया है ठंडा होने के लिए। कितने सारे कपड़े निकलते हैं आप लोग भी देख ही सकते हैं, कि बच्चों के, हमारे, और मैं भी जो डेली के रहते हैं ना, मैं एक बार उसे आयरन कर ही देती हूँ। और अभी कपड़े को अभी मैं धो के रखी हूँ, उसे साफ़ पानी में एक बार मुझे खंगालना है, सैलेड काटना है, और ये जो सारे कपड़े हैं ना, इसे मैं अब मैं सुबह रखूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी जो अलमारी देखेंगे ना तो सोचेंगे अलमारी की क्या हालत हो रखी है, किस तरीके से भरा है। तो इसे कल सुबह मैं सही करूँगी और फिर कपड़ों को रखूँगी, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े ऐसे हैं, ये सारे प्रेस वाले बिगड़ जाएंगे, और ये सारे प्रेस वाले कपड़े हैं जो रिद्धि सिद्धि ने पूरा बिगड़ा रखा है, पूरा अलमारी, मतलब नवरात्र में मैं पहन ओढ़ के कैसे हालत कर दिया है मैंने, इसे कल सही करूँगी। अब जा रही हूँ एक वीडियो अपलोड करने, उसके बाद में डिनर का मतलब सैलेड वगैरह कट करना है वो कर लूँगी, और बाल भी आज ऑयल लगाया है, बाल को भी धुलना है। तो सारे काम हो गए, उसके बाद मैंने बाल धुल लिए, क्योंकि हस्बैंड को अभी भी आने में टाइम था, और बच्चे आ गए हैं, बच्चों ने डिनर कर लिया है, और उसके बाद में बच्चों की अभी फिर से, बच्चे खाना वीना खा के अभी बच्चों को एक मिनट का भी फुर्सत नहीं है, तो बच्चे बैठ गए हैं फिर से अपनी पढ़ाई लेके, थोड़ा सा खाना वाना खाया, ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से बैठ गए हैं, क्योंकि उन लोगों का अब आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम। और यहाँ पे जो भी कपड़े थे मैंने देखे फिर से धुल रही हूँ, क्योंकि दोपहर को धुलने के बाद में ना, अब भी बच्चे जो भी आए हैं ट्यूशन से, उसके बाद भी बच्चे चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब
ठंडियाँ मतलब कि अभी ना रात को जो बस थोड़ा सा हल्का मौसम पड़ता है ठंडा वाला, बाकी दिन भर ना बहुत गर्मी रहती है, तो बच्चे आके तुरंत कपड़ा निकाल देते हैं, तो वही बस थोड़े बहुत कपड़े थे, देखिए छोटे मोटे कपड़े हैं, बहुत वैसे कपड़े नहीं हैं, तो ये सबको मैं अभी सुखाने के लिए डाल दूँगी। रात को तो कपड़ा बाहर नहीं डालते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, इतने सारे कपड़े मैं बाथरूम में भी मतलब नहीं रख सकती, नहीं तो सुबह के कपड़े जो निकलेंगे वो अभी जो रात को पहने हुए हैं वो सुबह निकलेंगे, अगर इसी में कुछ सोफ़े के हो गए या कुछ चद्दर हो गया, बेडशीट हो गया, ये सब हो गया ना, तो और ज़्यादा बर्डन होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने पढ़ने के लिए बैठे हैं और दोनों की मस्ती चालू थी, मैं अपना काम कर रही थी तो दोनों मस्ती कर रही हैं, दोनों का मतलब कि अगर आपके घर में भी दो बच्चे हैं ना तो आप लोगों को भी पता होगा कि दोनों में कितनी मारपीट और कितनी मतलब ज़रा सा भी जमती नहीं है दोनों में, और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, तो दोनों एक ही क्लास में हैं, ट्विंस हैं तो दोनों एक ही क्लास में हैं, दोनों की मस्ती बहुत होती है, तो मैं उन लोगों को वही समझा रही हूँ कि बेटा प्लीज़ थोड़ा आराम से करो और एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने चाहिए, मैं उन लोगों को वही समझा रही हूँ, और दोनों सुनने को तैयार नहीं थी। सिद्धि का होमवर्क बाकी था तो उसने उसकी बुक मांग रही थी और वो देने के लिए रेडी नहीं थी, और यहाँ मैंने अपने बाल में अभी भी तौली लगाई हुई है और मेरे को अपने बालों को भी सुखाना है, लेकिन इन लोग के मतलब इन लोगों को पीछे ही पड़ी हूँ अभी मैं, अब मैं जाती हूँ, इन लोग तो वैसे ही करते रहेंगे, अब मैं जाती हूँ अपने बालों को पहले सुखाऊंगी। तो ये वाली तौली ना पता है बहुत ही मतलब बालों की पानी बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब नहीं करती है, ये मैंने तौली तो ली तो थी लेकिन ये क्या है ना हल्का है, बहुत जन खादी का तौली जो होता है ना कॉटन का वो वाला यूज़ करते हैं जिससे कि बाल में ना प्रेशर ना पड़े, और बाल ना पता है ज़्यादा बाल तो कितने हमारे कितने होते हैं आजकल सभी के बहुत ही पतले बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, अगर उसमें इतनी जाड़ा मतलब बहुत मोटी वाली तौलियाँ लगा लो ना तो बाल ना खिंचाता है, तो बस उसी के लिए मैं इतनी पतली वाली तौली यूज़ करती हूँ, लेकिन ये पानी बहुत कम यूज़ करता है, मतलब खींचता बहुत कम है, और थोड़ी सी जो मोटी वाली तौली रहती है ना वो पानी बहुत जल्दी मतलब अब्सॉर्ब कर लेता है, बस यही फ़र्क है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। और आजकल ना मेरे बाल ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा डस्ट वगैरह काम कर रही हूँ सफाई की ना, तो बालों में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, मतलब बहुत कचड़े आ के, तो अभी मैं थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ, वैसे मैं रोज़ सीरम नहीं लगाती हूँ अपने बालों में, मैं स्ट्रीक्स का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ लेकिन डेली नहीं, क्योंकि मुझे इतना मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं रहता है कि सीरम वगैरह मैं लगा पाऊँ, और इसके अलावा मैं बाल धोल के तुरंत ही मुझे दूसरे काम करने रहते हैं ना तो मुझे याद भी नहीं रहते हैं, अभी तो हस्बैंड को लेट हो रहा है, नहीं तो हम लोग फटाफट खा के डिनर विनर करके हम लोग सोने के लिए जाते हैं, आज बच्चों को वैसे भी लेट ही हो रहा है, सारे काम हो गए हैं और डिनर वगैरह सब कुछ बच्चों ने कर लिया है, और मैंने भी अपना बाल धुल लिया है, अभी मैंने बालों में लगाया सीरम, बाल थोड़े से ड्राई हो जाए उसके बाद में मैं लगाती हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ये डस्ट वगैरह साफ़ करने में ना बाल ऊपर से बहुत रफ़ हो गए थे, तो इसलिए मैंने सीरम लगाया, वैसे मैं डेली सीरम लगाती नहीं हूँ, और ये होमवर्क कर रही है लेकिन इसका होमवर्क में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ये देखिए इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सीधी जल्दी कम्प्लीट करो सोना है। तो फ्रेंड्स हस्बैंड जी का इंतज़ार हो रहा है, पतिदेव आते हैं उसके बाद मैं डिनर करूँगी, और पतिदेव के आने के बाद, और पता मैं लिपस्टिक हमेशा डेली नहीं लगाती हूँ, सोचती हूँ कि लिपस्टिक लगाऊँ व्लॉग में मेरे लिप्स एकदम कैसे रहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आपका लिप एकदम ना आपकी स्किन पे मैच करने लग गए हैं, हाँ एकदम सफ़ेद हो गया ना, खून की कमी हो गई है, आपके ये खुल के देखो ना, चलो सो जाओ, इसे ना सोने के पहले चाहिए मोबाइल देखने के लिए, अभी मोबाइल नहीं देखना है, देखना है, अरे मैंने प्रेस का कपड़ा रखा है। तो उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और बच्चों का टिफ़िन, उन लोगों को ब्रेकफास्ट बना के दे रही हूँ टिफ़िन में, और उन लोगों को दिया है मैंने ऑरेंज बनाना और मूंग का डोसा, तो रिद्धि सिद्धि को ये बहुत पसंद है तो उन लोगों को बना के दे रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड बाद में बनेगा, उन लोगों को बाद में, मैं और मेरे हस्बैंड बाद में बना के खाएंगे, तो देखिए उन लोगों का लंच बॉक्स मैं पैक कर देती हूँ, सुबह के हो रहे हैं अभी 6 बजे के लगभग टाइम हो रहा है, और अभी अंधेरा है बाहर, अब धीरे धीरे उजाला होगा, और यहाँ मैं बच्चों की चोटी कर दे रही हूँ, रिद्धि की चोटी कर दी हूँ, सिद्धि की देखिए बहुत समय लगता है, और यहाँ सिद्धि ना अपने पापा से बता रही है कि मम्मी ने वीडियो स्टार्ट किया है, तो इन लोगों को तैयार वेयर करके मैंने देखे भेज दिया है, आज रिद्धि का पीटी है और सिद्धि का यूनिफॉर्म है, तो दोनों ही गए स्कूल
उनके पापा ले गए छोड़ने के लिए, और मैं अपने कामों में लग जाऊंगी जो कि मेरे घर के काम जो हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगा। और उसके बाद आप लोगों ने देखा ही था पिछले वीडियो में कि मैंने गद्दे का कवर निकाला था तो मैंने धुल दिया था और धुल के सूख गया था। उसके बाद मैं इसे लगाऊंगी। पता है सबसे ज़्यादा टफ़ काम यही है, इसे धुलना फिर लगाना। और पता है ये अकेले ना होता नहीं है, वो गद्दा बहुत ही भारी है। तो फिर भी मैंने कैसे कैसे देखे, मैं कवर लगा दे रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, दोनों बाजू से इसे जो कोना कोना है गद्दे में कवर लगाने का, ये ट्रिक है आप लोगों को। तो दोनों के ना कोने कोने में इसे टिक कर दीजिए, और यहाँ से भी लेफ़्ट से भी खींचिए, राइट से भी खींचिए, और बहुत अच्छे तरीके से फिर नीचे तक कवर हो जाएगा। सो इसे दोनों बाजू से खींचना है, और उसके बाद ना इसे ना आगे से पीछे से आगे की तरफ ले आना, मोड़ देना है इस तरीके से। इसे इस तरीके से देखे बहुत भारी मुझसे हो नहीं रहा है। फिर इसके पीछे से भी पूरा साइज से एकदम खींच लेना है, एकदम देखिए लाइन वाज आप लोग देखते रहिए, एकदम लाइन वाज मैंने गद्दे का कवर अकेले ही लगा दिया है। और ये मतलब मेरे हस्बैंड से भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे बार बार लगाना निकालना है तो मैं मुझसे हो जाता है। तो देखिए मैं दोनों बाजू से लेफ्ट राइट साइड से मैं खींच खींच के इसे गद्दे का कवर एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए मैंने लगा दिया। देखिए हाँ 10-15 मिनट लगता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। तो आगे से भी पीछे से भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका गद्दे का कवर लगा दिया है। फिर उसके बाद में जो इसके गाँठे हैं ना, उसकी गाँठे लगा देती हूँ, जिससे कि वो खुले ना और आगे पीछे होके ना बिगड़ जाता है। और गद्दे के नीचे मैंने लगा रखा था एक थैली, क्योंकि जब भी इमरजेंसी पड़ती है ना तो मैं गद्दे के नीचे निकाल के रख देती हूँ। कौन कौन अपने घरों में गद्दे के नीचे थैली छिपा के रखता है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सभी लोग रखते हैं, इमरजेंसी में मिलता नहीं है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गद्दे के कवर लगाने के साथ। उसके बाद का व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो ही मैं इसके आगे का वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे चादर भी छा दिया है, गद्दे का कवर भी लगा दिया है। और आप लोगों को आज की वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ मैं और भी ज़्यादा शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।